दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप हिमाचल, हिमाचली और हिमाचलियत की सेवा में सदैव तत्पर रहा है। यही कारण है कि किसी भी रूप में कुछ हटकर करने वालों का सम्मान हमारी प्राथमिकता में शामिल है। दिव्य हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड ऐसी ही कर्मठ विभूतियों, संगठनों व संस्थानों के प्रयासों को प्रणाम करने का संकल्प है। दिव्य हिमाचल टीवी उन सभी महानुभावों को सलाम करता है जिन्हें दिया जा रहा है दिव्य हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड। तो ये रहे सिरमौर के संजीव अत्री। नवाचार के क्षेत्र में बेहतर कार्यों को देखते हुए इन्हें दिया जा रहा है श्रेष्ठ प्रेरक पुरस्कार। वर्ष 2019 के लिए हिमाचल के लोकप्रिय समाचार पत्र दिव्य हिमाचल ने मुझे हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड के लिए चयनित किया है। इसके लिए मैं दिव्य हिमाचल का बहुत बहुत आभारी हूँ। यह पुरस्कार मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। एक शिक्षक के रूप में मेरा यह मानना है कि स्कूल केवल परीक्षा पास करने और अंक प्राप्त करने का माध्यम नहीं होने चाहिए, बल्कि बच्चों के चहुमुखी विकास का केंद्र होने चाहिए, बहुत सारी गतिविधियां और इनोवेशंस का केंद्र होने चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं अपने शिक्षण कार्य को इनोवेशन से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। सोलन के दीपक साहनी को मिला है श्रेष्ठ योद्धा अवार्ड। दीपक अपनी कई विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। Like to thank team Divya Master Media Group for selecting me for Himachal Excellence Award. This is one of the best feelings I ever had before and I really feel honored. I would thank them and it's one of the best things that the guys are doing. They're bringing in the best out of the entire society and recognizing them. I really congratulate them and thank you so much. God bless you. Thanks. सिरमौर के अल्ट्रा मैराथनर सुनील शर्मा को दिया गया है श्रेष्ठ खिलाड़ी अवार्ड। स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा हिमाचल दिव्य हिमाचल का, जो कि अभी हाल ही में मुझे सुनने को मिल रहा है कि जो दिव्य हिमाचल का एक फंक्शन होता है उसमें मुझे भी बुलाया जा रहा है और सम्मानित किया जाएगा, तो उसके लिए मैं दिव्य हिमाचल का दिल की गहराइयों से थैंक्स करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। इसी तरह धर्मशाला के मुकेश थापा श्रेष्ठ चित्रकार चुने गए हैं। मुझे काफी अच्छा लग रहा है और साथ में काफी प्रोत्साहन मिल रहा है कि दिव्य हिमाचल हिमाचल में छुपी हुई प्रतिभाओं को एक नया मंच प्रदान कर रही है। दिव्य हिमाचल एक कलाकार को एक मंच प्रदान करके एक अच्छा कार्य कर रही है। नई प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है, तथा साथ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के काम कर रहे उन कलाकारों को दिव्य हिमाचल के मंच से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस प्रोत्साहन के लिए मैं दिव्य हिमाचल का बहुत बहुत आभारी हूँ। ऊना के इसपुर की शिक्षा सुधार समिति को श्रेष्ठ संगठन से नवाजा गया है। कि जो दिव्य हिमाचल ने एक्सीलेंस अवार्ड में ये कदम उठाया है उससे बहुत ही लोगों को प्रेरणा मिलेगी और हमें भी ये हमारा मोराल जो है वो अप होगा, क्योंकि कई बातें जो हैं यदि हम वंचित रह पाए और ऐसी समाचार पत्रों में बातें आ रही तो लोगों को इससे प्रेरणा मिलती है और उनको भी काम करने के लिए प्रेरित होते हैं और हमें भी उत्साह मिलता है। साहित्यकारों की श्रेष्ठ श्रेणी में शिमला के SR हरनोट को चुना गया है, उन्हें दिया जाएगा श्रेष्ठ रचनाकार अवार्ड। हिमाचल ने साहित्य के लिए मुझे जो एक्सेलेंस अवार्ड दिया है उसके लिए मैं दिव्य हिमाचल पत्र समूह का हृदय से भारी हूँ। मुझे स्मरण है कि 2015-16 में भी उन्होंने मुझे स्टोरी राइटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया था। तो ये दिव्य हिमाचल साहित्य, संस्कृति और सामाजिक कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए जो कार्य कर रहा है इसकी हम लेखक वर्ग बहुत प्रशंसा करते हैं। शिमला के JC शर्मा को चुना है श्रेष्ठ प्रशासक। पत्रकारिता के क्षेत्र में नाम कमाने वाले व ABP न्यूज के जगविंदर पटियाल को श्रेष्ठ पत्रकार से नवाजा जा रहा है। एक अरसे से गायकी में अपना लोहा मनवा रहे चंबा के पीयूष राज को श्रेष्ठ संगीतज्ञ इनाम से सुशोभित किया जा रहा है। वैसे तो हिमाचल में बहुत सारे अखबार हैं, लेकिन दिव्य हिमाचल एक लीडिंग न्यूज़पेपर है और बहुत अच्छा अखबार है। इसकी खासियत यह है कि ये खबरों के साथ साथ
हिमाचल के म्यूजिक एंड कल्चर की तरफ भी ध्यान देता है, तो बहुत सारे आर्टिस्टों को ये इन्होंने प्रमोट किया है और कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी करवाते हैं, तो ये इनकी खासियत है। और इस बार इन्होंने मेरा चुनाव स्पेशली हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड के लिए किया है, जिसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कुल्लू शॉल को दुनिया भर में मशहूर करने वाले सत्यप्रकाश ठाकुर को मिला है श्रेष्ठ आर्थिक सुधारक पुरस्कार। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि इस बार के जो इनका सम्मान समारोह है, इसमें मुझे भी सम्मानित किया जा रहा है, जिसके लिए मैं दिव्य हिमाचल समाचार समूह का बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे भी इस काबिल समझा। और एक खिलाड़ी से प्रशासक के पद तक पहुंची सुमन रावत को दिया जा रहा है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड।